हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन होट 211 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस लेक्चर 25 गार्लिक कल्टीवेशन। इन दिस लेक्चर आई विल कवर ऑल कल्चर प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू गार्लिक कल्टीवेशन। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। गार्लिक को हिंदी में लहसुन लहसुन या फिर पंजाबी के अंदर लहसुन या कुछ क्षेत्रों के अंदर पोडू के नाम से जाना जाता है। बोटनिकल नेम एलियम सैटिवम, जो इसका साइंटिफिक कह लो जब वानस्पतिक नाम है वो एलियम सैटिवम है। फैमिली एलिएसी, इसका एक नाम और भी एलिलिएसी, या फिर इसे एमराइलिडिएसी फैमिली के नाम से जाना जाता है। क्रोमोसोम नंबर 2N16, जो इसके क्रोमोसोम नंबर है, गुणसूत्र संख्या है, प्याज की और इसकी सेम ही होती है। इसके जो डिप्लोइड क्रोमोसोम नंबर है वो 16 होते हैं। ओरिजन जो इसका है, सेंटर ऑफ ओरिजन, ये सेंट्रल एशिया है। एडिबल पार्ट, इसमें बल्ब्स होते हैं, शल्क कंद, ठीक है, क्लोव्स भी कई बार लिखा जाता है, जो उसकी अलग अलग पुतियां होती हैं, ठीक है, उनको क्लोव्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अरोमा इन गार्लिक इज ड्यू टू डाई एलील डाई सल्फाइड। जो अरोमा होती है गार्लिक के अंदर वो डाई एलील डाई सल्फाइड के कारण होती है। चाइना रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन, जो चाइना है, चीन है, वो इसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, मतलब उसका पहला स्थान है। कल्टिवेटेड वराइटी, इंडियन वराइटीज आर शॉर्टे टाइप, जो भारत के अंदर उगाई जाने वाली किस्में हैं इसकी, वो लघु दीप्तिकालिक है, जो कि जिनको कि कम दिन की अवधि की आवश्यकता होती है, और वैसे यह है एक लॉन्ग डे प्लांट है। इजिप्त रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्टिविटी, जो मिश्र है या इजिप्त है, उसकी प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता में प्रथम स्थान है, मतलब उसकी उत्पादकता सबसे ज़्यादा है। इंडिया रैंक थर्ड इन प्रोडक्शन एंड सेकेंड इन द एरिया इन द वर्ल्ड, जो भारत है इसका प्रोडक्शन के अंदर तो तीसरा स्थान है, और क्षेत्रफल के हिसाब से यह दूसरे नंबर पे आता है, मतलब इसमें दूसरे नंबर का क्षेत्र है चाइना के बाद, और प्रोडक्शन इसका तीसरे नंबर पे आता है। एंड एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस एलिसिन प्रेजेंट इन गार्लिक, लहसुन के अंदर एक एंटी बैक्टीरियल जीवाणु नाशक कह लो एक तरीके से, जो उनको ख़त्म करता है, एलिसिन पाया जाता है, ठीक है। वाटर सोल्यूबल अमीनो एसिड प्रेजेंट इन गार्लिक एलीन, और इसमें एक अमीनो एसिड जो कि पानी में घुलनशील होता है पाया जाता है, जिसे एलीन कहते हैं। गार्लिक इज सेक्सुअली स्टराइल डिप्लोइड, गार्लिक सेक्सुअली स्टराइल डिप्लोइड होता है, द्विगुणित कह लो, ठीक है, बांझ द्विगुणित होता है। लॉन्गर डे लेंथ 12 hours और मोर गिव हायर बल्ब यील्ड, अगर दिन की अवधि 12, वैसे तो क्रिटिकल जो इसके लिए डे लेंथ है वो 12 घंटे की है, ठीक है, परंतु अगर इससे ज़्यादा रहती है तो इसमें बल्ब की यील्ड ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ये लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक। पर इंडियन जो वैरायटी हैं इनको शॉर्ट के अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस होती है इनकी अगर शॉर्ट डे कंडीशन रहती है, तो इसीलिए अपने सर्दी के अंदर इसकी कल्टीवेशन करते हैं जब दिन की अवधि छोटी होती है। गार्लिक इज यूज टू क्योर वूपिंग कफ, लंग डिजीज, अल्सर, शोर आई, ईयर एक एंड डिसऑर्डर्स रिजल्टिंग फ्रॉम चाइल्ड बर्थ। जो गार्लिक है, लहसुन है, इसका उपयोग जो खांसी होती है उसके अंदर, जो फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हैं उसके अंदर, या फिर अल्सर उसके अंदर, या फिर आंखें खराब हैं उसके उपचार के लिए, या फिर कान के दर्द के लिए, इसके अलावा जो विकार बच्चे के जन्म के समय पैदा हो जाते हैं उनको सही करने के लिए गार्लिक का उपयोग किया जाता है, एज ए मेडिसिनल यूज़ किया जाता है। इट कंटेंस 62.2 ग्राम मॉइस्चर, 6.3 ग्राम प्रोटीन, 29.0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 30.0 मिलीग्राम कैल्शियम, 0.16 यानी कि 16 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन एंड 13.0 मिलीग्राम विटामिन सी पर 100 ग्राम एडिबल पोर्शन। इसके अंदर 62.2 ग्राम मॉइस्चर होता है, नमी होती है,
6.3 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, 29 ग्राम इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होती है और इसमें 30 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है और 0.16 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन और 13 मिलीग्राम या 13 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है इसके 100 ग्राम खाद्य भाग के अंदर। क्यूरिंग ए प्रोसेस टू रिमूव एक्सेस मॉइस्चर। क्यूरिंग हर बार पूछी जाती है, जैसे डेफिनेशन में कई बार आती है, तो क्यूरिंग क्या होती है, हल्दी के अंदर भी यही है इसका मतलब। क्यूरिंग होती है ए प्रोसेस टू रिमूव एक्सेस मॉइस्चर। अगर जो बल्ब के अंदर या राइजोम के अंदर या किसी भी पदार्थ के जो प्रोडक्ट है उसको सुखाया जाता है, मतलब उसके मॉइस्चर को कम करने के लिए कि लंबे टाइम तक उसको स्टोर किया जा सके, तो वो प्रोसेस क्यूरिंग कहलाती है। ठीक है, ए प्रोसेस टू रिमूव एक्सेस मॉइस्चर, जो ज़्यादा अधिक मॉइस्चर है उसको कम करना या उसको हटाना। एरिया एंड प्रोडक्शन, इट इज़ मेनली कल्टिवेटेड इन मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड तमिलनाडु। जो इसकी कल्टिवेशन की जाती है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश के अंदर या गुजरात के अंदर, वैसे मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा, फिर ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी, साउथ राजस्थान की साइड, तमिलनाडु, ठीक है, काफ़ी जगहों पे इसकी कल्टीवेशन की जाती है। जो 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ओनली फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड गुजरात स्टेट्स, और जो इसका 50% उत्पादन है वो मध्य प्रदेश और गुजरात स्टेट अकेली स्टेट ही करती हैं। इन इंडिया गार्लिक ग्रोन एन एरिया ऑफ 317,000 हेक्टर विद 1,611,000 मैट्रिक टन प्रोडक्शन। जो गार्लिक है, लहसुन है, इसका जो क्षेत्रफल है इंडिया के अंदर टोटल, वो 317,000 हेक्टर है और जो इसका प्रोडक्शन है 1,611,000 मैट्रिक टन प्रोडक्शन है। ठीक है, वैरायटीज एग्रीफाउंड वाइट, जो इसकी किस्में हैं एग्रीफाउंड वाइट, इसको गार्लिक 41 नाम से भी जाना जाता है। जो इसकी ज़्यादातर किस्में हैं ना, वो ये मान लो कि लोकल टाइप है, ठीक, ज़्यादा इस पर रिसर्च हुआ नहीं है, तो इसकी बहुत ही कम किस्में हैं जो ज़्यादा यील्डिंग कह लो या बहुत ही अच्छी हैं, तो फिर भी वैसे लोकल जो कल्टीवार हैं, जैसे एग्रीफाउंड वाइट है, G41 नाम से जाना जाता है, इसका TSS काफ़ी ज़्यादा होता है, 41% या 41 डिग्री ब्रिक्स होता है। ग्रोविंग महाराष्ट्र के लिए सुटेबल किस्म है, महाराष्ट्र में ज़्यादातर इसको कल्टिवेट किया जाता है। इसके अलावा एग्रीफाउंड पार्वती है, जिसे G313 के नाम से जाना जाता है, लॉन्ग डे टाइप होती है, मतलब इसको लंबी दिन की अवधि चाहिए होती है, और सुटेबल फॉर नॉर्थन हिल्स, जो उत्तरी भारतीय पहाड़ियां हैं उनके लिए ये सुटेबल किस्म है। और इसके जो क्लोब्स होते हैं, मतलब एक तो बल्ब हो गया पूरा का पूरा, उसमें जो इसकी पुत्तियां होती हैं अलग अलग, वो बड़े साइज की होती हैं। इसके अलावा गोदावरी है, इसके अलावा जमुना सफ़ेद है, जिसे G1 के नाम से जाना जाता है, इसमें भी TSS 38-40% पाया जाता है और नॉर्थ इंडिया के लिए सुटेबल किस्म है, मतलब नॉर्थ इंडिया में जो उत्तरी भारत है उसमें कल्टीवेटेड करने के लिए उत्तम किस्म है। यमुना सफ़ेद 2 G50 के नाम से जानते हैं इसे। इसके अलावा HG1 सुटेबल फॉर हरियाणा, HG6, फिर इसके अलावा पूसा सिलेक्शन 10 सोलन टाइप 56 फॉर, इसके अलावा श्वेता BLG7 G51 G282, इसमें भी बिग साइज क्लॉब होते हैं, मतलब इसके जो पुतियाँ होती हैं वो बड़े साइज की होती हैं। फिर है क्लाइमेट, वैसे तो जो इसको क्लाइमेट चाहिए होता है गार्लिक को, सेम होता है जैसे प्याज के अंदर है। ठीक है, गार्लिक इज ए हार्डी क्रॉप एंड टोल्ड एंड टू फॉरेस्ट, और गार्लिक प्याज की तरह ही हार्डी फसल होती है और कुछ हद तक पाले को सहन कर लेती है, पर इसके लिए जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है वो माइल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है, मतलब मध्यम सा क्लाइमेट, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा। ठीक, गार्लिक रिक्वायर कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट एट द टाइम ऑफ प्लांट ग्रोथ, और जब पौधे की ये कह लो कि पौधा बढ़वार कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, उस टाइम तो पौधे को ठंडा और नम वातावरण आवश्यक होता है, मतलब उस टाइम उसको ठंडा और नमी युक्त वातावरण चाहिए, और जैसे ही वो मैच्योरिटी की तरफ जाता है तो उस टाइम शुष्क होना चाहिए वातावरण। ठीक, जैसे ही मैच्योर होना वाला होता है, पकने वाले होते हैं बल्ब। ठीक है, क्रिटिकल डे लेंथ फॉर बल्ब डेवलपमेंट इज 12 आवर्स, और बल्ब डेवलपमेंट के लिए या बल्ब का जो विकास होता है उसके लिए 12 घंटे की दिन की अवधि की आवश्यकता होती है। इंडियन वैरायटीज परफॉर्म बेटर इन शॉर्ट डे कंडीशन, जो भारतीय किस्में हैं वो जो लघु दीप्तिकालिक होते हैं, यानी कि लघु दीप्तिकाल वाली कंडीशंस रहती हैं, मतलब
दिन की अवधि कम रहती है 12 घंटे से, तो उन सिचुएशन के अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। सोयल्स, गार्लिक कैन बी ग्रोन इन ऑल टाइप्स ऑफ सोयल्स सच एज लाइट सैंडी लोम टू हैवी क्ले, मतलब गार्लिक प्याज की तरह पर हर प्रकार की मिट्टी में कल्टीवेट की जा सकती है, ठीक है। पर इसके लिए जो अच्छी मिट्टी है, ना तो बहुत ज़्यादा भारी ना बहुत ज़्यादा हल्की, लोमी सोयल है जो दोमट मिट्टी होती है, इसकी कल्टीवेशन के लिए बेस्ट रहती है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर के अंदर रिच हो, यानी कि उसमें कार्बनिक पदार्थ भरपूर मात्रा में हो, गहरी हो और उपजाऊ हो, ठीक है। अगर इसको लाइट और लूज सोयल के अंदर, जैसे मतलब हल्की और ढीली मिट्टी के अंदर कल्टीवेट किया जाए, तो बल्ब का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता, ठीक है, पुअर बल्ब डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा अगर हाई जो हैवी मिट्टी होती है, भारी मिट्टी होती है, उसमें कल्टीवेट किया जाए, तो इसमें जो बल्ब की शेप होती है वो बिगड़ जाती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा कठोर होती है, तो बल्ब अपना ग्रोथ नहीं कर पाता, जिस जगह जगह मिलती है जिस साइड वो उसी साइड फैलने लग जाता है, तो मिस शेप बनती है बल्ब। तो इसके लिए जो पीएच रेंज है वो 6 से 7 के बीच होनी चाहिए मिट्टी का पीएच। और गार्लिक भी सेंसिटिव टू हाईली एसिडिक और एल्केलाइन सोइल, और बहुत ज़्यादा एसिडिक हो या बहुत ज़्यादा क्षारीय मिट्टी हो, उसके लिए गार्लिक संवेदनशील फसल होती है, मतलब उसको सहन नहीं की जा कर सकती। सोइंग टाइम, जो सोइंग टाइम है इसको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। नॉर्थ इंडियन जो है वहाँ, वैसे तो ज़्यादातर इसको सर्दी के मौसम में उगाया जाता है, तो नॉर्थ इंडियन कंडीशन है वह सितंबर से अक्टूबर के अंदर इसको उगाया जाता है, सितंबर अक्टूबर के अंदर उत्तरी भारत के अंदर, और हिल्स के अंदर मार्च अप्रैल, जैसे ही ठंड का मौसम ख़त्म होता है वहाँ पे अच्छा मौसम आ जाता है, माइल्ड सा क्लाइमेट हो जाता है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो मार्च अप्रैल के अंदर इसकी वहाँ पे बुआई करना स्टार्ट करते हैं। और साउथ इंडिया में वैसे तो माइल्ड क्लाइमेट ज़्यादातर, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है वो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, मतलब ज़्यादा वहाँ पे कह लो कि जब बरसात हो रही होती है अगस्त नवंबर के अंदर, तो वहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, बरसात ज़्यादा हो रही है साउथ इंडिया में, तो उसके कारण अगस्त नवंबर का जो टाइम रहता है इसकी कल्टीवेशन, अगस्त से लेकर नवंबर तक मतलब इसकी बुआई की जा सकती है। जबकि जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे क्या होता है कि उस टाइम जब नवंबर होता है उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाती है, ठीक, जबकि अगस्त और नवंबर, जबकि साउथ इंडिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको कल्टीवेट किया जाता है उस टाइम। सीड रेट अबाउट 500 to 700 kg क्लोव्स आर नीडेड फॉर 1 हेक्टर। जो क्लोव्स होते हैं, पुतियां होती हैं, लगभग 500 से 700 किलो पर हेक्टर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें 2-3 विधियों से इसकी अलग अलग जगह पे कल्टीवेशन की जाती है, मतलब किसी जगह पे कोई विधि अपनाई जाती है, किसी जगह पे कोई विधि अपनाई जाती है। तो सोइंग मेथड फर्स्ट है डिबलिंग, ठीक। डिबलिंग क्या होती है कि जैसे ज़्यादातर अपने नॉर्थ इंडियन कंडीशन के अंदर इसी तरीके से किया जाता है, इसी को ज़्यादातर फॉलो भी इसी को ही किया जाता है। इसमें करते क्या है कि एक पहले बेड तैयार कर ली जाती है, चाहे एक क्यारी पूरा खेत तैयार कर लिया जाता है, उसको अलग अलग प्लॉट के अंदर डिवाइड कर लिया जाता है, फिर अलग अलग एक एक क्लोव को हाथ से लिया जाता है, और लगभग 5 से 7.5 सेंटीमीटर गहरा एक रो के अंदर दबाया जाता है। एक रो से दूसरी रो की जो दूरी रखी जाती है लगभग 15 सेंटीमीटर, और एक जो पुत्ती है या एक क्लोव है उससे दूसरी क्लोव की एक ही रो के अंदर लगभग 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पे उसको बोया जाता है, ठीक। उसके बाद जो भी पुतियां लगी हैं उनको हल्की मिट्टी से कवर कर दिया जाता है, वैसे तो हाथ से जैसे दबाते हैं तो उसी टाइम मिट्टी डाल उसके साथ ही लगा दी जाती है, और उसके बाद जैसे ही उसकी बुआई हो जाती है तो उसके बाद सिंचाई कर देते हैं, तुरंत बाद सिंचाई कर दी जाती है, ठीक है। तो ये तो है डिबलिंग मेथड जिसको ज़्यादातर फॉलो किया जाता है। दूसरा है फरो प्लांटिंग। फरो प्लांटिंग में क्या करते हैं कि इसमें फरो बना ली जाती है, एक तरीके की नाली कह लो जाए, एक तरीके का कुंड बना लिया जाता है, जैसे सीड ड्रिल चलती है उसके बाद पीछे नाली बनती जाती है ना, तो वही चीज़। इसमें क्या करते हैं कि जो कॉटन सीड ड्रिल होती है या फिर कोई हैंड होस छोटी है उससे खेत के अंदर नालियां बना ली जाती हैं, ठीक है, लंबी नालियां बना ली जाती हैं लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो उन नालियों के अंदर बीजों को या ये कह लो कि क्लोब्स को हाथ से लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़ते हुए बिखेर दिया जाता है, उन नाली के अंदर अंदर डाल दिया जाता है, और ऊपर से उस नाली को बंद कर दिया जाता है, मिट्टी से दबा दिया जाता है, ठीक। इसमें बस ये है कि आपको बैठ के काम करना
नहीं पड़ेगा, जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा आपका। तो इसमें स्पेसिंग बाद में भी कुछ हद तक मेंटेन की जाती है, क्योंकि पुतियाँ हाथ से जब एक साथ डालते हैं तो हो सकता है कि वो ज़्यादा नज़दीक हो जाएं, और पुतियों को अगर खड़ी हुई अवस्था में लगाया जाए, मतलब उसका जो सर होता है उसे नीचे और जो पूंछ होती है उसको ऊपर रखा जाए, तो वो जल्दी जर्मिनेट होती हैं, जल्दी अंकुरित होती हैं कलियाँ। पर इस कंडीशन में क्या होता है कि कलियाँ कुछ उल्टी भी हो जाती हैं, कुछ सीधी भी हो जाती है, इसलिए जर्मिनेशन में थोड़ा टाइम लगता है, और इसीलिए इसको ज़्यादातर फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, इसके बाद भी जैसे ही इसकी फ्रो प्लांटिंग करते हैं उसके बाद भी इसमें सिंचाई की जाती है। फिर तीसरा मेथड होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग मेथड क्या होता है कि जो भी फील्ड है उसको जितने भी अपने सुविधा अनुसार प्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर लिया जाता है, समतल क्यारियाँ बना ली जाती हैं। उसके बाद उसमें जब पूरा पाटा लगा के कह लो, जब पूरा समतल फील्ड बना लिया जाता है, तो उसमें जो क्लॉब्स होते हैं उनको छींटा दे दिया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है पूरे फील्ड के अंदर। फिर हैरों चला दी जाती है उसके ऊपर, जिससे कि पुतियां मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएं और दब जाएं अंदर। ठीक, उसके बाद सिंचाई कर दी जाती है। अगर कोई पुत्ती बाहर रह जाती है और सिंचाई के 3-4 दिन बाद उसको हाथ से नीचे दबा दिया जाता है। ठीक, इसको भी बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें सीड रेट ज़्यादा लगेगी, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग सही नहीं रहेगी। हो सकता है कि जो इंटरकल्चर ऑपरेशन होते हैं, जैसे ब्रीडिंग करनी है, जहाँ उसकी पौधे की थोड़ी बहुत गुड़ाई करनी होती है आसपास, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसको ज़्यादातर फॉलो नहीं किया जाता। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जनरली 50 टन्स पर हेक्टर FYM शुड बी एडेड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट प्लॉइंग। जो 50 टन गोबर की खाद है उसे पहली जुताई के समय ही खेत में मिला दिया जाता है। गार्लिक रिक्वायर 100 kg पर हेक्टर नाइट्रोजन, 50 kg पर हेक्टर फास्फोरस और पोटाश। जो गार्लिक लहसुन है इसे लगभग 100 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटाश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसे कुछ माइक्रोन्यूट्रेंट की भी आवश्यकता होती है, जो कि है बोरोन है, जिंक है और मोलिब्डेनम है। ये लगभग 5 किलो, मतलब प्रत्येक 5 किलो पर हेक्टर डाले जाते हैं। ठीक, हाफ डोज ऑफ नाइट्रोजन ए फुल डोज ऑफ PKBZNNMO शुड बी अप्लाइड एट द टाइम ऑफ सोइंग। मतलब नाइट्रोजन की आधी मात्रा और दूसरे सारे के सारे जितने भी फर्टिलाइजर हैं, 5 किलो बोरोन है, 5 किलो जिंक है, 5 किलो मोलिब्डेनम है, 50 किलो फास्फोरस, 50 किलो पोटाश, सारे के सारे बुआई के समय खेत में मिला दिए जाते हैं। और जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बचती है उसे 1 महीने बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में पौधे के पास पास दे दिया जाता है। ठीक, सम स्टडीज से दैट 75 kg पर हेक्टर फर्टिलाइजर मिक्सचर ऑफ NPK एज ए रेशियो ऑफ 18:3 शुड बी एडेड टू सोयल एट द टाइम ऑफ सोइंग इंक्रीज द यील्ड अलॉन्ग विद 5 kg पर हेक्टर बोरोन, जिंक एंड मोलिब्डेनम ईच। कुछ जो अध्ययन है वो कहते हैं कि लगभग एक मिक्सचर बना लो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का, 18:2:3 का, मतलब 18 उसमें भाग होने चाहिए नाइट्रोजन के, 2 भाग उसमें ले लो फास्फोरस के और 3 भाग पोटाश के, उनका एक मिक्सचर बना लो और उसका 75 किलो, मतलब उस मिक्सचर का 75 किलो जो मात्रा है प्रति हेक्टर, तो मिट्टी के अंदर डाल दो बुआई के समय, और उसके साथ में जो 5-5 किलो अपने बोरोन, जिंक और मोलिब्डेनम लिए हैं उनको मिट्टी में डाल दो, तो इससे उपज में बढ़ोतरी होती है। मतलब ये भी एक रिकमेंडेड डोज है कि इसको भी डाला जा सकता है। नेक्स्ट है इरीगेशन। द फर्स्ट इरीगेशन इज गिवन टू द क्रॉप इमिडिएटली आफ्टर द सोइंग ऑफ क्लोब्स। जो पहली सिंचाई की जाती है, जैसे ही क्लोब्स या पुतियों की बुआई कर देते हैं फील्ड में, उसके तुरंत बाद कर देनी चाहिए। ठीक है, बड़ी वो डिबलिंग मेथड से की हो, फ्रो मेथड से की हो, या फिर ब्रॉडकास्टिंग मेथड हो, द क्रॉप शुड बी इरीगेटेड एट एन इंटरवल ऑफ 10-15 डेज अंटिल द क्लाइमेट इज वार्म। इसको लगभग 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की जाती है, जो गार्लिक या लहसुन है, और तब तक की जाती है जब तक कि मौसम थोड़ा गर्म ना होने लग जाए। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के अंदर इसकी बुआई की, और जैसे ही फरवरी मार्च स्टार्ट होता है तो थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम इसकी जो सिंचाई की जाती है वो नैरो इंटरवल पर की जाती है, क्योंकि उस टाइम बल्ब का विकास हो रहा होता है,
ठीक है, बल्ब बड़ा बन रहा होता है तो उसको नमी की आवश्यकता होती है उसके विकास के लिए। सोयल मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ बल्ब ग्रोथ, मतलब मॉइस्चर जरूरी होता है जब बल्ब की ग्रोथ हो रही होती है, कंद बन रहा होता है। इफ मॉइस्चर स्ट्रेस एट द टाइम विल एडवर्सली इफेक्ट द बल्ब ग्रोथ, और उस समय मॉइस्चर की अगर कमी रहती है तो बल्ब का आकार सही नहीं बनता, वो उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। द क्रॉप शुड बी इरीगेटेड 3 to 4 times बिफोर हार्वेस्टिंग, 3 to 4 days बिफोर हार्वेस्टिंग, सो दैट द बल्ब कैन बी डग इजीली। फसल को हार्वेस्टिंग करने से 3 से 4 दिन पहले सिंचाई कर देनी चाहिए, मतलब उसी दिन नहीं करनी, जब 1-2 दिन पहले नहीं करनी, 3 से 4 दिन पहले करनी है, जिससे कि पानी उस टाइम तक लगभग सूख जाए, ठीक है, कि जो कंद होंगे जब बल्ब होंगे उनके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर ना रहे। और करनी इसलिए क्योंकि जो कंद हैं उनको आसानी से खोदा जा सके, क्योंकि उसमें अगर मिट्टी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी, हार्ड होगी, तो उनको खोदेंगे तो उनको नुकसान हो सकता है जो कंद हैं, ठीक है, उनको आसानी से खोदा जा सके, इसलिए उसमें सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट है वीड कंट्रोल। गार्लिक इज शैलो रूटेड जैसा कि प्याज है, सो फ्रिक्वेंट शैलो कल्टिवेशन शुड बी गिवन टू द सोयल टू किल द वीड्स एंड लूजन द सोयल अराउंड द प्लांट्स। जो लहसुन होती है एक तो उथली जड़ वाली फसल है, इसलिए इसमें थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल पर हल्की निराई गुड़ाई की जाती है, जिससे कि खरपतवार नष्ट हो जाए और पौधे के आसपास की मिट्टी भी ढीली हो जाए। जनरली 2 to 3 होइंग कम वीडिंग इज डन ड्यूरिंग इनिशियल 1 to 2 months ऑफ ग्रोथ। पहले और दूसरे महीने के अंदर लगभग 2 से 3 गुड़ाइयाँ की जाती हैं, ठीक है, इसके बाद इसमें गुड़ाई नहीं, मतलब इसको रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो बल्ब है जहाँ उसकी जड़ होती है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। सम पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स लाइक सीमाजीन, डायूरॉन 0.75 से लेके 1 kg पर हेक्टर, मतलब वह 1 kg सीमाजीन या डायजुरान को पोस्ट इमरजेंस डाल दिया जाए, ठीक है, मतलब बुआई के बाद डाला जाता है, तो ढंग से ये वीड को कंट्रोल कर लेता है। हार्वेस्टिंग गार्लिक शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन लीव टर्न येलो और ड्राई। जो गार्लिक है, लहसुन है, इसकी जो हार्वेस्टिंग तब की जाती है जब पत्तियाँ सूख कर येलो या ब्राउन कलर की हो जाती हैं और सूख जाती हैं। द क्रॉप शुड बी इरीगेटेड 3 to 4 days बिफोर हार्वेस्टिंग, सो दैट बल्ब कैन बी इजिली डग इजिली, मतलब उनको आसानी से खोदा जा सके, इसलिए 3-4 दिन पहले सिंचाई कर लेनी चाहिए। द बल्ब आर लिफ्टेड विद स्पैड और खुरपी। जो कंद होते हैं, जब बल्ब होते हैं, उनको फावड़े से या फिर खुरपी से खोदकर निकाला जाता है, उसके बाद उसकी मिट्टी को झाड़ दिया जाता है और उनके बंडल बना लिए जाते हैं, उनकी पत्तियों को बांध के एक बंडल बना लिए जाते हैं, और इन बंडल्स को क्यूरिंग के लिए छाया के अंदर 3 से 4 दिन तक सुखाया जाता है, ठीक है। दीज बंडल्स आर क्यूरिंग आर पुट इन शेड फॉर 3 to 4 days। आफ्टर क्यूरिंग टॉप लीव्स आर रिमूव्ड एंड स्टोर इन ऑर्डिनरी रूम्स। वैसे तो जो उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही वो सूख जाते हैं, अगर उसको सेल करना है तो उसके जो पीछे पत्तियां होती हैं, स्टेम होता है, उसको काट दिया जाता है, ठीक, और उसके बाद उनको कमरों के अंदर स्टोर कर लिया जाता है या उनको सेल कर दिया जाता है। पर कई जगहों पे क्या करते हैं, उसको वैसे उसको हटाया नहीं जाता, उसके जो पीछे वाला पूछ होती है उसको तब तक उसको बांध के ही रखा जाता है, साथ में ही रखा जाता है, ठीक है। और इसकी कहा जाता है कि इसको ज़्यादा लाइट के अंदर स्टोर नहीं करते, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट रहती है वहाँ पे इसको स्टोर नहीं करते, उससे क्या होता है कि इसकी जो क्लोब्स होती हैं वो सूखना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक। यील्ड, द यील्ड रेंजिंग बिटवीन 10 to 20 tons पर हेक्टर डिपेंडिंग अपॉन द वराइटी सोयल एंड अप्लाइड फर्टिलाइजर। जो इसकी उपज है लगभग 10 से 20 tons पर हेक्टर, जहाँ कह लो कि 100 से 200 क्विंटल पर हेक्टर होती है, वो ज़्यादातर किस्म के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, जहाँ आपने कितनी फर्टिलाइजर डोज दिया उसके ऊपर डिपेंड करती है। इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, वैसे तो सेम ही है इसके और ऑनियन के, सेम है इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है। तो इसमें थ्रिप्स है, थ्रिप्स टैबेक की, ये प्याज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कह लो, वैसे ये गार्लिक के अंदर भी सेम ही है, तो वही इसमें नुकसान है करता है। इसमें भी जो येलो स्मॉल इंसेक्ट सक द सेप फ्रॉम द लीव्स, ठीक है, जो छोटा सा येलो कलर का नीचे आप पिक्चर में शो देख रहे होगे, दिख रहा होगा,
तो वो एक छोटा सा इंसेक्ट है जो कि पत्तियों से रस चूस के उसको नुकसान पहुंचाता है, और पत्तियों के ऊपर सिल्वर कलर्ड की स्ट्रिप्स या धारियां बन जाती हैं या फिर ब्राउन कलर के धब्बे बन जाते हैं। इसका कंट्रोल है स्प्रे विद 0.05% मोनोक्रोटोफॉस या फिर मेथाइल डेमेटोन या नीम कर्नल ऑयल, मतलब इनमें से किसी भी इंसेक्टिसाइड का आप 0.05% का स्प्रे कर सकते हो। उसके बाद दूसरा है ऑनियन फ्लाई, इसको मैगट या गार्लिक मैगट भी बोल देते हैं, सेम ही इंसेक्ट है, डेलिया एंटिकोआ, ठीक है। ये स्मॉल ग्रे फ्लाई सच एज हाउस फ्लाई लेज एंड एग इन द सोयल अराउंड द प्लांट, एक कह लो कि जो ग्रह मक्खी होती है सेम वैसी ही, और ग्रे कलर की मक्खी पौधे के जो चारों तरफ मिट्टी होती है उसमें अपने अंडे देती है। इसके जो अटैक से जो नीचे की पत्तियां होती हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। कंट्रोल है इसका स्प्रे ऑन द क्रॉप विद 0.1% मेलाथियोन टू कंट्रोल द ऑनियन फ्लाई, ठीक है। जो ऑनियन फ्लाई है इसका कंट्रोल करने के लिए मेलाथियोन का 0.1% का स्प्रे करना चाहिए। डिजीज मैनेजमेंट, इसमें पर्पल ब्लॉच सेम वही प्याज वाली अल्टरनेरिया पोरी, मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर फॉर द डिजीज इज 28 to 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब 28 से 30 डिग्री का सेल्सियस का तापमान इस जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसको ग्रोथ करने के लिए फैलने के लिए बहुत ही उत्तम है, इसी टेम्परेचर पे ज़्यादा फैलता है। दिस डिजीज आर मोर प्रिवेलेंट व्हेन हैवी रेनफॉल, जब यह डिजीज बहुत ज़्यादा फैलती है, जब बहुत ज़्यादा बरसात हो रही होती है, या फिर क्लोजर स्पेसिंग पे प्लांटिंग की हुई होती है, मतलब पौधे की दूरी कम रखी हुई होती है। इसके अंदर पर्पलिश स्पॉट्स आर सीन ऑन द लीव्स, जहाँ नीचे पत्तियों के अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे, पर्पलिश से लेके ब्राउन कलर के धब्बे पत्तियों पे दिखाई देने लग जाते हैं। इसका कंट्रोल है व्हेन द डिजीज हैज सीन स्प्रे विद एंडोफिल M45 एट द रेट 2.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर एट 10 to 15 डेज इंटरवल। इसके लिए एंडोफिल M45 का 2.5 ग्राम पर लीटर की जो मात्रा है गोल बनाकर उसका 10 से 15 दिनों के अंतराल पर स्प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, पहला फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर तो सेम ही है, प्याज के अंदर भी यही होता है, बल्ब स्प्राउटिंग। तो इसमें थोड़ा सा कारण उसका थोड़ा अलग है, बल्ब स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग वही सेम, ठीक है, कि जो कलियां होती हैं पुत्तियां होती हैं जैसे उसको स्टोर करके रखा जाता है तो वो कुछ टाइम बाद अंकुरित होनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे पिक्चर में आपको दिखाई दे रही होंगी, ऐसी कंडीशन कई बार देखने को मिलती है घर पे, जब उसका टाइम होता है उगने का तो वो उगना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका कारण क्या है, पहले तो यूज ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन इन द फील्ड, कि नाइट्रोजन जो फील्ड में थी डाली गई थी वो बहुत ज़्यादा डाली गई थी जिसके कारण ये पुत्तियाँ स्प्राउट होना स्टार्ट हो गई। इसके अलावा हाई सोयल मॉइस्चर ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, नमी ज़्यादा होना जमीन के अंदर जब अपने हार्वेस्टिंग करते हैं उस समय अगर नमी ज़्यादा रहती है तो भी ये समस्या आ सकती है। मैनेजमेंट क्या है इसका, एक तो अवॉइड एक्सेस इरिगेशन, मतलब बहुत ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी चाहिए पकाव के समय, ड्यूरिंग जो उसका अपने हार्वेस्टिंग करनी होती है उस समय ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अप्लाई ए रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, और जो भी अपने को रिकमेंडेड किया हुआ है कि भाई निर्धारित मात्रा है फर्टिलाइजर की, उतनी ही मात्रा में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर खेत में डालना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं कि हमें ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा उपज मिलेगी, ठीक है। मेंटेन प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज लाइक वेंटिलेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मतलब जो इसकी प्रॉपर मेंटेन करो कि भाई उसमें वेंटिलेशन भी अच्छा होना चाहिए उस कमरे के अंदर जहाँ भी इसको स्टोर किया गया है, उसका टेम्परेचर भी निर्धारित होना चाहिए, उसमें नमी का भी निर्धारित की गई होनी चाहिए, प्रॉपर क्यूरिंग ऑफ द बल्ब बिफोर स्टोरेज। इसके अलावा उसकी नमी को कम करने के लिए अपने उसकी जो क्यूरिंग की जाती है उसको ढंग से करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है इसके अंदर स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग कई बार देखा होगा कि अगर आपने घर पे कभी किचन गार्डन लगाया है तो उसमें गार्लिक लगाई होगी तो उसमें कभी कभी बार ज़्यादातर स्प्लिटिंग की प्रॉब्लम आती है। स्प्लिटिंग अपने नॉलेज नहीं होती, क्या होता है कि अपने उसको कुछ ज़्यादा ही टाइम फील्ड के अंदर खड़ा रहने दे देते हैं कि भाई अब पक ही गई है तो थोड़ा और सूख जाने दें फिर उसको हार्वेस्ट करेंगे, तो इसी के कारण उस प्याज की जो ऊपर वाली परतें होती हैं, सॉरी उस लहसुन की ऊपर वाली परतें होती हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं,
और वो थोड़ा खुल जाती हैं, ठीक है। तो स्प्लिटिंग इज आल्सो ए मेजर डिसऑर्डर ऑफ गार्लिक व्हेन डिलेड इन हार्वेस्टिंग। जब बहुत ही महत्वपूर्ण एक डिसऑर्डर है जब हार्वेस्टिंग अपने देरी से करते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है। दिस डिसऑर्डर बल्ब नॉट रिमेन कॉम्पैक्ट, इट इज ब्रश्ड। जैसे पहली पिक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है वो स्प्लिटिंग है गार्लिक के अंदर, मतलब उसके अंदर आपने पोतियां देखी होंगी अलग अलग दिखाई दे रही हैं, और इनको जब हार्वेस्ट करने करेंगे निकालेंगे फील्ड से तो बिखर जाएंगी ये, मतलब एक बल्ब की तरह बन के नहीं रहेंगे। जबकि दूसरी पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है वो नॉर्मल है, मतलब उसके ऊपर छिलका है, मतलब इसको अगर थोड़ा सा पहले ही हार्वेस्ट कर लिया जाए तो उसके ऊपर छिलके रहते हैं, वो ज़्यादा रहते हैं, और बाद में वो जमीन के अंदर गलना स्टार्ट हो जाते हैं ऊपर वाले छिलके, जिससे पुतियां बाहर आ जाती हैं, और पुतियां भी अपने आप ज्यादा आकार ले लेती हैं जिसके कारण फूल जाती हैं और वो फटना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसका मैनेजमेंट क्या है, हार्वेस्टिंग शुड बी डन एट राइट स्टेज और टाइम। हार्वेस्टिंग करनी चाहिए बिल्कुल जो उसकी पूरी प्रॉपर स्टेज है उस टाइम, और जो उसका समय है उसी समय पे। ठीक, थैंक यू।